अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम द प्ले ग्रुप टीचर मिस वधिया अदनान। बिफोर द स्टार्टिंग वर्क वी हैव टू रिसाइट द दुआ, दुआ फॉर इंक्रीजिंग नॉलेज, इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माय अल्लाह इंक्रीज माय नॉलेज, आमीन। ओके स्टूडेंट, टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। दिस इज़ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज नंबर 1। बिफोर द स्टार्टिंग वर्क वी हैव टू डिसाइड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर रिवाइज द लेटर ए। आज हम लेटर ए रिवाइज करेंगे और उसके जो ऑब्जेक्ट्स को है फाइंड करेंगे। विच लेटर इज दिस, आपको पता है ये कौन सा लेटर है? ए। वट इज़ दिस? ए। कौन सा लेटर है? ए। और ए का साउंड कैसा होता है? ए की आवाज़ कैसी होती है? आ, अ। ए का साउंड कैसा होता है? ए की वॉइस कैसी होती है? अ। एंड आप मुझे जल्दी से ये बताएंगी कौन सा लेटर है? ए। विच लेटर इज दिस? ए। और अब हम जल्दी से लेटर ए के ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करेंगे जल्दी से। यस, व्हाट इज दिस? एप्पल। व्हाट इज दिस? एप्पल। ए एप्पल, ए एप्पल। सब इसके साथ रिपीट भी करेंगे, ए एप्पल। और क्या आता है लेटर ए से? और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं ए के? यस, एंट। व्हाट इज दिस? एंट। व्हाट इज दिस? एंट। ए एंट, ए एंट। ए एप्पल, ए एंट। अच्छा, आपको पता है ये कौन सा ट्री है? दिस इज एन एप्पल ट्री। देयर आर सो मैनी एप्पल्स, यहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स हैं। और ये कौन सा ट्री है? ये एप्पल का ट्री है। एंड व्हाट इज दिस? एप्पल। देयर आर सो मैनी एप्पल्स। एंड व्हाट इज दिस? एंट। यहाँ पे भी 1, 2, 3 थ्री एंट्स हैं। देयर आर थ्री एंट्स। ए एप्पल, ए एंट। ओके, कम टू द पेज नंबर 2। नाउ यहाँ पे भी कौन सा लेटर है? विच लेटर इज दिस? ए। विच लेटर इज दिस? ए। ओके, एंड व्हाट इज दिस? डू यू नो क्या है ये? तो सबको पता है ये क्या है। व्हाट इज दिस? एरोप्लेन। व्हाट इज दिस? एरोप्लेन। ए एरोप्लेन, ए एरोप्लेन। सब इसके साथ रिपीट करेंगे, ए एरोप्लेन। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? क्या है? एलिगेटर। ए एलिगेटर, ए एलिगेटर, ए एलिगेटर। अब हम सारे ऑब्जेक्ट्स को दोबारा से रिव्यू करेंगे। ए एप्पल, ए एप्पल। ए एंट, ए एंट। ए एरोप्लेन, ए एरोप्लेन। ए एलिगेटर, ए एलिगेटर। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसको रोज़ पढ़ना है, रीड करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मा पापा के साथ इसको रोज़ रीड करना है। और जब हम कोई भी काम अपना फिनिश करते हैं, वी हैव टू रिसाइट अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव टू रिसाइट अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।